तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आपने टाइटल और थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में किस टॉपिक पर बात होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आप गूगल पर अपनी फोटो कैसे अपलोड कर सकते हैं, चलिए दोस्तों मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। मैं अपनी खुद की फोटो आपको गूगल पर सर्च करके बताता हूँ। देखिए ये मैंने क्रोम ब्राउज़र खोला, यहाँ पर मैंने टाइप किया रॉयल बॉय मिस्टर एके और यहाँ पर सर्च। तो देखिए दोस्तों ये इतनी सारी मेरी आप फोटो आने लगी हैं। देखिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, तो आप अपनी फोटो को कैसे गूगल पर डाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जो गूगल है उस पर आप फोटो अपलोड नहीं कर सकते हैं, वो ओनली सर्च इंजन है, आप वहां पर सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आ जाती है कि आप फोटो कैसे अपलोड करें गूगल पर, कोई सर्च करे तो अपनी फ़ोटो आप कैसे दिखा सकते हैं अपने दोस्तों को, उन्हें कैसे आप अपनी फ़ोटो दिखा सकते हैं। चलिए दोस्तों तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपलोड कर सकते हैं, सॉरी कैसे आप वहां पर ला सकते हैं अपनी फ़ोटो को सर्च इंजन में। चलिए दोस्तों तो एंड वीडियो पर एंड तक बने रहें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से यार प्लीज़ से सब्सक्राइब कर दो। चलिए दोस्तों हम आपको ले चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम आ गए अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, उसमें आपको सर्च बार में ब्लॉगर टाइप करना है, BLOGGER ब्लॉगर लिखकर आपको सर्च कर देना है। और यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये वाला ब्लॉगर डॉट इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्रिएट योर ब्लॉग पर आपको लिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है क्रिएट ब्लॉग। तो इस पर आप कर देंगे, यहाँ आपको साइन कर लेना है अकाउंट से, किसी भी जीमेल अकाउंट से साइन कर लेना। चलिए पासवर्ड डाल देते हैं अपन, पासवर्ड डाल कर देना आपको। तो दोस्तों हमारा जो ब्लॉगर पर है उस पर अपना अकाउंट अपना क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर आपको चूज ए नेम फॉर ए ब्लॉग, अपने ब्लॉग का यहाँ पर चूज नेम करना है आपको। तो चलिए मैं सिंपली से ये वाला नाम यहाँ पर डाल देता हूँ, रॉयल बॉय मिस्टर एके। तो आपको जिस भी आप नाम से करना चाहते हैं उस पर आपको टाइप करना है, और यहाँ पर नेक्स्ट पर आपको कर देना है। नेक्स्ट पर करने के बाद यहाँ पर आपको URL अपने पेज का, अपनी साइट का URL बनाना है। तो यहाँ पर मैं सिंपली से यही वाला, ये तो यहाँ पर मेंशन नहीं हो रहा, तो यहाँ पर कुछ और डिफरेंट अपन कर देते हैं, कुछ नंबर डाल देते हैं। तो जो आपके मन में आए वो वैसा ही आप बना लेना। तो यहाँ पर कुछ मैं डिफरेंट कर देता हूँ क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है। तो चलिए यहाँ पर ये अवेलेबल हो गया है, तो नेक्स्ट आपको कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले नेम आएगा, तो डिस्प्ले नेम पर आप जो डिस्प्ले पर रखना चाहते हैं वो वाला नाम यहाँ पर डालना है। तो मैं सिंपली से यही नाम डाल देता हूँ, तो आपको जो भी नाम डालना है ना आप डाल लेना। चलिए यहाँ पर फिनिश पर आपको क्लिक कर देना। चलिए हमारा ब्लॉगर पर अकाउंट क्रिएट हो गया है यहाँ पर, चलिए देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर 3 डॉट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, उस पर आपको सिंपली से क्लिक करना है। जो 3 डॉट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, 3 डॉट यहाँ पर आपको न्यू पोस्ट जो लिखा है यहाँ पर उस पर आपको क्लिक करना है, न्यू पोस्ट पर। तो सबसे पहले न्यू पोस्ट पर आके आपको क्या करना है कि जो एरो का सिंबल दिखाई दे रहा है 3 डॉट में जाके आपको डेस्कटॉप साइड में अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, अपने फ़ोन की डिवाइस को। तो चलिए डेस्कटॉप साइड में यहाँ पर ओपन हो गया है, तो जो ड्राफ्ट यहाँ पर लिखा है उस पर आपको क्लिक करना है। तो आपका कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आप टाइटल डाल लेना। तो जिस नाम से आप सर्च करेंगे उसका आपको यहाँ पर टाइटल डालना है कि आप किस नाम से सर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सिंपली से यही वाला नाम, मेरा तो यही वाला नाम सब जगह चलता है। तो जो भी आप टाइटल रखना चाहते हैं तो अपना यहाँ पर टाइटल डाल लेना, और यहाँ पर क्लिक करना है आपको जहाँ पर मैंने किया है। तो यहाँ पर तो दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है अपलोड योर कंप्यूटर। तो आप जिस पर इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ आपसे परमिशन मांगेगा, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है।
दोस्तों जैसा मैं करता हूँ बस आपको वैसा ही करना है। यहाँ पर आपको सारे इंटरफेस को अलाउ कर देना है, उनको अलाउ दे देना है, तो आप यहाँ पर अपनी फाइल में रिडायरेक्ट हो जाएंगे, अपनी फाइल पर पहुँच जाएंगे। तो जो भी आप फोटो या वीडियो अपलोड करना चाहते हो उसको आपको सिंपली से सिलेक्ट कर लेना है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो आ गई है, यहाँ पर प्रोसेसिंग चलने लगी, अपलोड होने लगी हमारी फ़ोटो, तो थोड़ा रुक लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको यहाँ पर फिनिश कर देना है। तो दोस्तों हमारी फ़ोटो हमारे ब्लॉगर अकाउंट में ऐड हो गई है, हमारे पेज जो अभी क्रिएट किया है। तो यहाँ पर आप कुछ भी, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर हेलो फ्रेंड्स लिख देता हूँ। आपको क्या करना है, फिनिश का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है फिनिश। तो येलो कलर में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना फिनिश। तो चलिए दोस्तों हमारी जो पोस्ट है वो अपलोड हो गई है गूगल पर। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये शेयर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो इस शेयर के ऑप्शन पर आपको कॉपी लिंक करके सारे एप्लीकेशन आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पर आपको शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स को। तो जो फ्रेंड्स हैं वो आपके इस लिंक को ओपन करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर व्यूज़ आपके बढ़ेंगे। तो क्या होता है दोस्तों, एक दो दिन में आपके गूगल पर फ़ोटो आने लगेगी, आप वही नाम से सर्च करेंगे तो आपकी फ़ोटो गारंटी आने लगेगी।